डी अलीशा को घूरने लगा तो अलीशा भी उसे घूरने लगी। डी दांत पीसते हुए चला गया। वहीं बालकनी में अविका घबराते हुए खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी भीग गई थी। अविका ने अपनी आंखों को मसलते हुए आसमान की तरफ देखा। ठंडी हवा के कारण वह कांप रही थी। उसका चेहरा ठीक से नजर आ रहा था। रात होने के कारण उसका चेहरा कल ठीक से दिख नहीं रहा था। वह बहुत गोरी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेहद मासूम और आकर्षक थी। उसके होठ के पास एक छोटा सा तिल था जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। अविका हमेशा घर के अंदर रहती थी इसलिए आज इतने सारे पेड़ पौधे देखकर वह खुश हो गई। वह रेलिंग को पकड़कर आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक गिलहरी पर पड़ी। वह बहुत सुंदर थी, अविका अचानक ही बोली। अति सुंदर, उसकी आवाज़ बहुत मनमोहक थी। अविका बहुत खुश लग रही थी। वो उछलते हुए उसे ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। पर अचानक उसके कानों में जैसे ही प्योरी की आवाज़ पड़ी वह घबरा गई। उसकी आंखों के सामने डी का चेहरा आने लगा क्योंकि कल रात उसने उसे ठीक से नहीं देखा था। उसने सिर्फ उसके बड़े बड़े बालों को देखा था जिसे वह बहुत डरावना समझ रही थी। वह जल्दी से अपने पल्लू को उठाकर घूंघट कर लेती है। डी एक प्रश्नलेस भाव से अविका के पीछे खड़ा हो गया। उसने अपनी डरावनी और सख्त नज़रों से ऊपर से नीचे तक अविका को देखा। अविका उसकी आंखों की तपिश महसूस करते हुए कांपने लगी। डी अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, तुम्हारी रात कैसे गुजरी जंपिंग स्पाइडर? डी ने देखा अविका भी एकदम शांत होकर खड़ी हो गई। उसके होठ पर डेविल स्माइल आ गई। वो अपना एक कदम अविका की तरफ बढ़ाता है तो अविका डरते हुए रेलिंग से चिपकने लगती है। डी उसकी तरफ झुककर उसके कानों में बेदर्दी से बोला, तुम्हारा ये डरना मुझे बहुत पसंद आया जंपिंग स्पाइडर। वैसे बहुत अच्छे से जाल बिछा लेती हो लोगों के लिए, कोई भी तुम्हारी जाल में नहीं फंसेगा। अविका डरते हुए सिमट गई। डी की आंखों में अब नफरत दिखाई दे रही थी। वो एकदम से अविका को अपनी तरफ पलट देता है। अचानक उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि अविका ने घूंघट लिया था। कल रात भी डी ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। अविका के केवल पिंक लिप्स नजर आ रहे थे और उसका तेल। एक पल के लिए डी अपनी जगह पर जम गया मगर फिर उसकी कलाई को मरोड़ते हुए दांत पीसकर बोला, अगर नीचे तुमने कुछ भी बताया कि मैंने तुम्हें पूरी रात यहाँ छोड़ा था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कल रात देखा था ना उस काले जानवर को, उसके आगे मैं तुम्हें फेंक दूंगा। उसकी धमकी सुनकर अविका की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने थूक को खटकते हुए अपना सर हवा में हिला देती है पर उसे अपने हाथ में दर्द भी हो रहा था। डी उसे कुछ देर तक देखता है फिर झटक देता है। अविका काफ़ी डर गई थी। अब उसे अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। उसने अपने दर्द को सह लिया, शायद यह उसकी आदत बन चुकी थी। अविका अपने आंसू पोंछकर रूम में आती है। डी उसे बिना देखे ही गुस्से में बोला, इसे जल्दी से पहनो, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास वरना मैं उस जानवर को बुला लूँगा। अविका घबराते हुए बेड पर रखे थाल को उठा लेती है जिसमें कपड़े थे। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आती है। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर डी अपनी गहरी आंखों से दरवाजे को देखता है। उसकी आंखें छोटी हो गई। वो अपनी ठंडी और गुस्सेल भरी आवाज़ से बोला, क्या तुम इतनी बदसूरत दिखती हो जो किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हो? उसकी आवाज़ हर बार की तरह बहुत डोमिनेटिंग थी पर अविका कुछ नहीं बोली। उसने अपने घूंघट को थोड़ा और नीचे कर लिया। यह देखकर डी को चिढ़ होने लगी। डी को उसे देखने में इंटरेस्ट नहीं था। वह गुस्से में बाहर जाने लगा। अविका आसपास डी को देखते हुए काले जानवर यानी ब्लैक पैंथर सुलबुल को ढूंढ रही थी फिर जल्दी से डी के पीछे पीछे जाने लगी। डी बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था। उसके होठ पर डेविल स्माइल थी। वो और भी ज़्यादा लंबे कदमे लेते हुए तिरसी नज़रों से अविका को देखने की कोशिश कर रहा था जो परेशान होकर उसके पीछे जल्दी जल्दी भाग रही थी। डी एक प्रश्नलेस भाव से सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो अलीशा ने देखा कि अविका डी के पीछे पीछे आ रही थी। उसने अपना सर हिलाया और डी को ऑर्डर दिया, जाओ और अपनी पत्नी को शॉपिंग कराओ, उसके पास कपड़े नहीं है। डी ने अविका को देखा जिसने घाघरा चोली पहना हुआ था। वह आंखें चढ़ाते हुए बिना कुछ बोले जाकर सोफे पर बैठ गया। चुलबुल भी आकर उसके पास बैठ गई, वे भी जाकर उसके पास बैठ गया। अविका चुपचाप खड़ी थी। चुलबुल को देखते ही वह डर के मारे अलीशा के पल्लू को पकड़कर खड़ी हो गई। अलीशा डी को ऑर्डर देते हुए बोली, डी अपनी पत्नी को शॉपिंग कराओ। लेकिन डी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। अलीशा ने फिर से उसे डांटा तो डी डेविल स्माइल करके चुलबुल के बालों में हाथ फेर कर बोला, चुलबुल जाओ और उस जंपिंग स्पाइडर को लेकर आओ। चुलबुल ने अपनी खतरनाक नज़रों से अविका को देखा। अविका डरते हुए अलीशा के पीछे छुप गई। चुलबुल जैसे ही अविका के पास आई
अविका जोर से चिल्लाने लगी, आ नहीं नहीं। वो आगे आगे भागने लगी और चुलबुल उसके पीछे पीछे। अविका अलीशा के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, उसके पीछे पीछे सुलबिल भी। फिर वो डी के तरफ भागते हुए आने लगी। डी कुछ समझ पाता उससे पहली अविका उसके गोद में आकर बैठ गई और रोने लगी। वह उसकी शर्ट को पकड़कर उसे और भी ज्यादा चिपक रही थी। चुलबुल को यह पसंद नहीं आया कि कोई डी के इतने करीब है। वह गुर्राती है और सोफे पर चढ़कर अविका को गुस्से में देखने लगी। अविका की तो जान निकल गई। वह अपने चेहरे को डी के शर्ट के अंदर छुपाते हुए जोर से चिल्लाई, नहीं। अलीशा को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। डी और वी को तो बहुत मजा आ रहा था। दोनों ही आराम से बैठे थे। चुलबुल अपने पंजे को अविका के हाथ पर रखती है। अविका इस पर इतनी तेज चिल्लाई कि उसके गले में दर्द होने लगा। अलीशा गुस्से में बोली, डी उसे परेशान करना बंद करो और अपनी इस गर्लफ्रेंड को बोलो कि अविका को डराना बंद करे। मगर डी कुछ नहीं करता। चुलबुल अपने मुंह को खोलती है और अपने चेहरे को अविका की तरफ करती है। तभी अलीशा चुलबुल को आकर अविका से दूर कर देती है। उसने डी को वार्निंग देते हुए कहा, सिर्फ 3 सेकंड है तुम्हारे पास, जाओ और अविका को कपड़े दिलाओ। फिर गुस्से में वो चुलबुल को देखने लगी। चुलबुल डरते हुए बैठ गई। अलीशा के जाने के बाद डी गुस्से से अविका को देखता है और उसे जबरदस्ती सोफे पर उतारते हुए बाहर चला गया। अविका को गले में बहुत दर्द हो रहा था। रोते रोते उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें अब भी बढ़ रही थी। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और एक तकिया उठाकर चुलबुल के ऊपर फेंक कर बोली, अति भयानक। चुलबुल ने जैसे ही उसे गुस्से में देखा, अविका भागते हुए डी के पीछे आ गई। डी और वी अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर कार में बैठे थे। वी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। अविका जैसे ही बाहर निकली, उसने डी को कार में बैठते हुए देख लिया था, इसलिए वह भी डी के पास आकर खड़ी हो गई पर बोली कुछ नहीं। डी एक प्रश्न पास से उसे घूरने लगा। फिर वो उसे इग्नोर करके हॉर्न बजाता है, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। उसके अंदर से एक अलग ही डरावना ओरा निकल रहा था। 5 मिनट बीत जाते हैं। अब डी इरेटेड हो गया था। वो गुस्से में अपना हाथ स्टेयरिंग व्हील पर मार देता है। तब एक कमांडो आगे आते हुए घबरा कर अविका से बोला, मैडम डी आपको कार के अंदर बैठने के लिए कह रहे हैं। इतना कहकर वो कार के गेट को खोल देता है। अविका घबराते हुए कार के अंदर बैठ गई तो कुछ ही देर में वो लोग वहां से निकल जाते। मगर डी और वी के चेहरे पर बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ अलीशा इस वक्त अपने रूम में थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव नजर आने लगे। उसने धीरे से कहा, कयामत, मैं आई तो तुमसे बदला लेने थी, पर सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। तुमसे तो बदला नहीं ले पाई मैं, लेकिन देखो ना, तुम्हारे भाई के बसे अब मेरे पास है। वह मुझे अपनी माँ मानते, उन्हें नहीं पता है कि मैं उनकी असली माँ हूँ ही नहीं, बल्कि उसकी बड़ी माँ हूँ। और यह राज मैं उन्हें कभी नहीं बताऊँगी कि मैं उनकी असली माँ नहीं हूँ और कौन उनके असली माता पिता है। यह भी मैं उन्हें कभी पता चलने नहीं दूँगी। इतना कहते ही वह एक पल के लिए रुक जाती है। उसके बाद अपने फ़ोन में एक तस्वीर को देखती है जिसमें एक हैंडसम आदमी था। उसके चेहरे पर बहुत ही रोब दिख रहा था। उसने उस तस्वीर को देखते हुए डेल स्माइल करके कहा, सालों पहले हर कोई सूर्यवंशी खानदान से डरता था, पर देखो ना, सूर्यवंशी खानदान हादसे में ख़त्म हो गया, पर सूर्यवंशी खानदान का वारिस मेरे पास है। मैं कभी भी डी को पता नहीं चलने दूंगी कि वह सूर्यवंशी खानदान का न सिर्फ वारिस है बल्कि जोधपुर का हुकुमशाह भी है। यह उसके लिए और वी के लिए सही रहेगा। अलीशा अपने फ़ोन में कयामत यानी हर्षल की तस्वीर देखते हुए अपने फ़ोन को बंद कर देती है। फिर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डी जानबूझकर बहुत तेज कार चला रहा था और बार बार ब्रेक मार रहा था। बेचारी अविका की अब तक हालत खराब हो गई थी। एक तो इतनी तेज कार चलने से उसे डर लग रहा था, ऊपर से ब्रेक लगने के कारण वह बार बार सीट के नीचे गिर रही थी। वो फिर अच्छे से सीट पर बैठ जाती है। इस बार उसने अपने दोनों हाथों से सीट को पकड़ लिया। डी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कुछ देर बाद वो कार को रोकता है और कार से बाहर आ जाता है। अविका इधर उधर देख रही थी। डी और वी दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं। शीशा खुला हुआ था। वह बच्चों की तरह खुश हो गई और उस शीशे के बीच से ही निकलकर बाहर आई, क्योंकि उसे दरवाज़ा खोलना बिल्कुल नहीं आता था। यह देखकर डी अपने दांत पीस लेता है, मगर कुछ सोचकर फिर से उसके ओठों पर एक डेल स्माइल आ गई। अविका अपनी नज़र उठाकर देखती है तो वो लोग एक पार्क में आए थे जहाँ बड़े बड़े झूले थे। पहले तो वह खुश होती है, मगर फिर उसे उस बड़े से झूले को देखकर डर लग गया। उसने देखा डी काफ़ी दूर निकल गया है।
तो वो अपने लहंगे को उठाकर भागते हुए उसके पास गई और डी के हाथ को पकड़ लिया। डी जानबूझकर सबसे बड़े वाले झूले के पास आ गया। अविका की तरफ देखते हुए डेविल स्माइल करने लगा। अविका तो उस बड़े से झूले को देखकर ही घबरा गई थी। कुछ दूरी पर वी बैठ गया और कैंडी खरीदकर उसे आराम से खाते हुए डी और अविका को देखने लगा।